हेलो गाइस, मेरा नाम है गुलाम गौस। आप देख रहे हैं सिंपल मोटो G14 4G फ़ोन है और इसका हम कैमरा टेस्ट करेंगे। काफ़ी अच्छा लुक्स के साथ में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इस वीडियो में हम डिटेल्स कैमरा टेस्ट करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि इसका फोटो सैंपल्स, वीडियो सैंपल्स अलग अलग लाइटिंग कंडीशन में कैसा आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कैमरा स्पेक्स के बारे में जानेंगे। यहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा और 2 मेगापिक्सल वही आपको मैक्रो कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा। सेल्फी कैमरा की बात करें तो यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिलता है। तो देखिए, सैंपल्स दिखाने से पहले हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि इसका कैमरा इंटरफेस आपको हम दिखाते हैं, जिससे आपको ये पता चले कि जैसे कि कैमरा ओपन करेंगे तो आपको कैसा कैसा फीचर्स इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा और जो इसका UI है वो आपको कैसा देखने के लिए मिलता है। तो जैसे ही आप कैमरा को ओपन करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे स्लो मोशन देखने के लिए मिल जाता है, जो कि ठीक है। 10,000 प्राइस पॉइंट के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो स्लो मोशन देना चाहिए था। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो यहाँ पे आप फुल HD में 30 फ्रेम पर सेकंड पे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। फोटो यहाँ पे नॉर्मल देखने के लिए मिल जाता है और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये सिंबल, ये माइक्रो कैमरा का सिंबल है। तो ये काफ़ी पास से काम करता है, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट का फोटो लेना है, काफ़ी क्लोज है वो, तो उस समय इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन 2 मेगापिक्सल है, इस चीज़ को भी ध्यान आपको देना पड़ेगा। जूमिंग की बात करें तो मैक्सिमम जूमिंग जो है 4x तक आप कर सकते हैं, जो कि ठीक ठाक है। बहुत ज़्यादा जूमिंग करने से फोटो फटने भी लगता है। यहाँ पे आपको तरह तरह के फिल्टर आपको देखने के लिए मिलता है। तो जैसे कि नॉर्मल कैमरा से आपको फोटो अच्छा नहीं लग रहा है तो डायरेक्टली आप फिल्टर भी अप्लाई करके फोटो ले सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा आपको फिल्टर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपको पोर्ट्रेट देखने के लिए मिलता है, तो आप बैकग्राउंड ब्लर वाला फोटो सब जो है ले सकते हैं, जैसे कि DSLR में होता है। इसमें आपको प्रो मोड देखने के लिए मिलता है, जिसमें आप अपने हिसाब से ऑटो फोकस को, वाइट बैलेंस को, शटर स्पीड को, ISO को, एक्सपोजर को, ये सब सारे चीज़ जो होते हैं, जो मैनुअल तरीका से जैसे आप फोटो लेते हैं उस तरह से आप यूज करके इसका फोटो ले सकते हैं। पैनोरमा, नाइट फोटो और टाइम लैप्स भी आपको इसमें देखने के लिए मिल जाता है। मोर में जाएंगे तो यहाँ पे एक डुअल कैप्चर का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि एक साथ में 2 कैमरा ऑन हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं राइट साइड में जो है मेरा फेस है, जो फ्रंट फेसिंग कैमरा है, और लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हैं वो रियर कैमरा है। तो दोनों कैमरा आप एक बार में यूज कर सकते हैं और ये अपने हिसाब से इसको लेफ्ट या राइट कहीं पर भी रख सकते हैं। आप इसका स्क्रीन साइज जो है उसको आप घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, तो फुल स्क्रीन जैसे कि आप करना चाहे तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा और फुल स्क्रीन से कुछ इस तरह से आप फोटो ले सकते हैं। सेल्फी कैमरा की बात करें तो हमने ऑलरेडी आपको 8 मेगापिक्सल इसमें सेल्फी कैमरा बताया है, जो कुछ इस तरह से आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे सबसे अच्छा मुझे ये चीज़ लगा है कि अगर पीछे से बहुत ज़्यादा हार्ड लाइट जैसे कि आ रहा है, फिर भी आपको फेस को अच्छे से ये एक्सपोज करके रखता है, मतलब आपको फेस देखने को मिल जाएगा। सेल्फी में भी आप जो है पोर्ट्रेट फोटो का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो मैक्सिमम आप फुल HD में 30 फ्रेम पर सेकंड इससे भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से पोर्ट्रेट इसका निकल के आता है, जो कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सेटिंग्स की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारा आपको सेटिंग्स देखने के लिए मिलता है, जिसमें आपको इसका जो इंटरफेस है बिल्कुल यूनिक आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि रियलमी के फ़ोन होते हैं, MI के फ़ोन होते हैं, वैसा नहीं है, बिल्कुल अलग है इसको। मतलब एक तो फोल्डर वाइज सिस्टम यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन अगर सेटिंग्स की बात करें तो वही सारे सेटिंग्स आपको देखने के लिए मिलता है, जैसे कि शटर स्पीड, वाटर मार्क, सेल्फी, जैसे कि आप मिरर रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, लोकेशन को ऑन करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, यही सब आपको इसमें देखने के लिए मिलता है। कुछ आपको स्पेशल इसमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। इंटरफेस कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे हम फोटो लेना अब शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने एक नॉर्मल सैंपल यहाँ पे ले लिया है और एक ऑब्जेक्ट का है, हम ह्यूमन सब्जेक्ट की भी बात करेंगे अभी। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे फोटो आपको देखने के लिए मिलता है और 10,000 प्राइस पॉइंट के हिसाब से अगर इसे हम देखते हैं तो डिटेलिंग इनफ है, इतना डिटेलिंग में आप काम चला सकते हैं। और अगर हम सेल्फ़ी की बात करें तो सेल्फ़ी 8 मेगापिक्सल आपको इसमें देखने के लिए मिलता है, तो उसमें भी आपको डिटेलिंग जो है काफ़ी अच्छा खासा आपको देखने के लिए मिलता है। अभी हम डे लाइट में है, लो लाइट के भी हम बात करेंगे उसमें कैसा आपको देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे बहुत सारा सैंपल्स हमने लिया है इसी कैमरा से, मोटो G14 से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको किस तरह से जो है फ़ोटो ये निकाल के दे दे रहा है। HDR अच्छा काम करता है इसमें, हमने ये चीज़ नोटिस किया है कि HDR को जैसे कि आप ऑटो पे करके रखेंगे तो काफ़ी अच्छा काम करेगा वो। और बात करें जैसे कि ह्यूमन सब्जेक्ट की, तो ह्यूमन सब्जेक्ट में एक चीज़ मुझे अच्छा ये लगा है कि जो फेस टोन है वो आपको काफ़ी अच्छा और एक्यूरेट आपको देखने के लिए ये दे देगा। और पोर्ट्रेट भी जैसे कि आप फोटो लेंगे तो पोर्ट्रेट भी काफ़ी अच्छे से ऑप्टिमाइज करता है। बाकी हमने ग्रुप में भी कुछ फोटो यहाँ पे लिया है, जो कि आप देख सकते हैं, एक नॉर्मल है, एक पोर्ट्रेट है। और लास्ट में हम ये भी आपको बताएंगे कि जैसे कि फोटो को आप जूम करेंगे तो आपको कितना ज़्यादा उसमें डिटेलिंग देखने के लिए मिलेगा। सेल्फी कैमरा सैंपल्स की बात करें तो यहाँ पे आपके सामने में है, आप देख सकते हैं, और अलग अलग लाइट कंडीशन के हिसाब से हमने यहाँ पर सेल्फी लिया है, तो आपको एक अंदाज़ा लगे कि जैसे कि अलग अलग कंडीशन में सेल्फी लेते हैं
तो वहाँ पे किस तरह से सेल्फी निकल के आता है। सेल्फी में एक चीज़ जो सबसे अच्छा चीज़ मुझे ये लगा है कि पीछे से जैसे कि बहुत ज़्यादा लाइट आता होगा, फिर भी अच्छा फ़ोटो ये निकाल करके आपको दे देगा। हमने ग्रुप सेल्फी भी यहाँ पे लिया है, जो कि नॉर्मल में भी लिया है और हमने पोर्ट्रेट में भी लिया है, तो दोनों को आप देख सकते हैं। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये फुल एचडी में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इसी कैमरा से, रियर कैमरा से, मोटो G14 से। तो यहाँ पे जो एक क्वालिटी निकल के आएगा आप देख सकते हैं। अगर हम मान लीजिए कि दूसरे सिचुएशन में चलते हैं, जैसे कि लाइट खत्म, इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा। और अभी जो है हम यहाँ पे अलग सिचुएशन में आ गए हैं, जैसे कि मान लीजिए कि पहले उधर से वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही थी, अभी इधर से वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। तो किस तरह से यहाँ पे जो है वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगा, खास करके वुमन सब्जेक्ट पे। और अगर हम पास आएंगे तो जो फेस का क्वालिटी है वो कैसा रहेगा, अगर हम इस तरह से घूम जाते हैं इधर में, तो वहाँ पे जो है किस तरह से इसका वीडियो क्वालिटी निकल के आएगा आप देख सकते हैं। अगर हम और थोड़ा घूम जाते हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका वीडियो क्वालिटी जो है किस तरह से निकल के आ रहा है। और वुमन सब्जेक्ट, जैसे कि आप वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहें आउटडोर में, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको वीडियो क्वालिटी कैसा मिलने वाला है। अगर हम ऑटो फोकस की बात करें तो यहाँ पर आप देख लीजिए ऑटो फोकस काम कैसा कर रहा है। हाथ पे तो काफ़ी अच्छा से काम कर रहा है, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे हम चलते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए ऑटो फोकस जो है कैसा काम कर रहा है। इधर तो ले लिया, इधर नहीं ले पा रहा है, ऑटो फोकस में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है ये। यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे ले लिया, तो यहाँ पे कहीं कहीं पे ऑटो फोकस अच्छा कर पा रहा है, लेकिन कहीं कहीं पे अच्छा नहीं कर रहा है। अगर नहीं करेगा तो हल्का सा कैमरा को आप ऊपर नीचे करना, ये ऑटो फोकस में आराम से ले लेता है। ये देखिए, ये देखिए, देखिए 10,000-12,000 वाले जो फ़ोन होते हैं, 15,000 तक वाले भी जो फ़ोन होते हैं, उसमें उतना ज़्यादा स्टेबलाइजेशन नहीं होता है। तो 9,000 के हिसाब से अगर स्टेबलाइजेशन हम देखेंगे तो ठीक ठाक है, अच्छा स्टेबलाइजेशन हम नहीं कह सकते हैं। और इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से इतना ही आपको स्टेबल वीडियो देखने के लिए मिलेगा। और इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से जितने भी फ़ोन होते हैं उसमें स्लो मोशन गैप कर देते हैं, स्लो मोशन नहीं होता है, लेकिन आपको इसमें स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग करने का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो कि 120 फ्रेम पर सेकेंड पर आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 720 पिक्सल में, जो कि कुछ इस तरह से यहाँ पर स्लो मोशन आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और स्लो मोशन ठीक है, मतलब काम चलाने लायक, जैसे कि प्राइस के हिसाब से अगर हम देखते हैं आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये फीचर्स दे रहा है स्लो मोशन इतने कम प्राइस पे, यही बहुत बड़ी बात है। आप इसमें टाइमलेस वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। क्लोजअप शॉट, जैसे कि हमने यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग करने का कोशिश किया है, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा और ठीक ठाक है। आप इसमें अगर कलर करेक्शन कर देंगे तो ये वीडियो और भी अच्छा आपको देखने में लगेगा। जूमिंग की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4x तक आप इसमें मैक्सिमम जूमिंग कर सकते हैं। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं फुल एचडी में हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और अभी हम पार्क में बैठे हुए, डे लाइट का सिचुएशन है यहाँ पे, और लाइट का कंडीशन अगर बोले तो हम धूप में नहीं है, नॉर्मली जो है पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। और अलग अलग जैसे कि लाइट कंडीशन में यहाँ पे किस तरह से वीडियो निकल के आएगा आप देख सकते हैं। आप पीछे में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होने के कारण जो है अच्छे से एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, लेकिन अगर ऐसे करते हैं तो उधर से लाइट आ रहा, बादल का रिफ्लेक्शन आप कह सकते हैं एक तरह से, तो वो जैसे आपको वीडियो इसमें देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जस्ट अगर हम इस तरह से घुमाते हैं तो कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा। डायनामिक रेंज यहाँ पे ठीक है, लेकिन कुछ कुछ जगह पर जो है एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, और फेस जो है हल्का सा जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं आप काला आपको देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन अगर आप ऊपर के साइड में करेंगे तो आपको फेस अच्छे से देखने में मिलेगा, और वापस से जब हो जाएंगे तो कुछ इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा। सेल्फी कैमरा की स्टेबलाइजेशन की बात करें तो इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा स्टेबलाइजेशन देखने के लिए नहीं मिलेगा, नॉर्मल ही स्टेबलाइजेशन आपको देखने के लिए मिलता है। तो अगर आप जैसे कि रफ चलेंगे तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर स्टेबलाइजेशन देखने के लिए मिलता है, और दौड़ेंगे तो कुछ ऐसा आपको इसमें स्टेबलाइजेशन देखने के लिए मिलेगा। हमने इंडोर में भी यहाँ पे फ़ोटो लेकर के देखा था, तो यहाँ पे भी मुझे ठीक ठाक लगा था, क्योंकि अगर लाइटिंग का कंडीशन आपके रूम में ठीक है तो फ़ोटो का क्वालिटी या वीडियो का क्वालिटी अच्छा आपको देखने के लिए मिलेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। लो लाइट की बात करें तो देखिए लो लाइट भी मुझे ठीक ठाक लगा था। लो लाइट में जैसे कि आप मान लीजिए कि इसका नाइट मोड वाला जैसे कि आप इस्तेमाल करते हैं फीचर्स को, फ़ोटो जो है वो काफ़ी ब्राइट हो जाता है, लेकिन एक्सट्रीमली लो लाइट रहेगा तो उसको थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ाने के चक्कर में जो है उसमें ग्रेन्स आपको देखने के लिए मिलेगा। तो लो लाइट में देखिए फ़ोटो यहाँ पे ठीक ठाक निकल गया जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली लो लाइट होगा तो वहाँ पर आपको नॉइज़ देखने के लिए मिलेगा। और लो लाइट किसी भी फ़ोन में जैसे कि आप इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखेंगे तो उसमें आपको ग्रेन्स देखने के लिए बिल्कुल मिलेगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर हमने नोटिस किया है कि इसका जो नाइट मोड है वो अच्छे से काम करता है इस फ़ोन में।
और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये फुल एचडी में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं लो लाइट में, और यहाँ पे किस तरह से नॉइज आ रहा है या मेरा फेस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको पता चल रहा होगा। और मान लीजिए कि क्वालिटी कैसा आ रहा है वीडियो का वो भी आप देख सकते हैं। पीछे में जो है लाइट ऑन हो गया है लेकिन मेरे पास में अभी लाइट नहीं है और रात लगभग हो चुका है, एकदम माइनर सा लाइट है, तो कुछ इस तरह से जो है आपको क्वालिटी यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये सेल्फी कैमरा से हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं सेम लाइटिंग कंडीशन में लो लाइट में, और यहाँ पे जो क्वालिटी निकल के आ रहा है आप देख सकते हैं उतना अच्छा सा फेस तो यहाँ पे विजिबल नहीं है लेकिन लो लाइट काफ़ी ज़्यादा है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। और लगभग रात हो चुका है, कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे सिनेरियो देखने के लिए मिल जाएगा। हमने आउटडोर में भी इसका लो लाइट का वीडियो सैंपल आपको दिखाया था, और लो लाइट में जैसे कि इंडोर में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से ये परफॉर्म कर रहा है लो लाइट में। तो लो लाइट में देखिए अगर रियर कैमरा से रिकॉर्डिंग करेंगे तो वहाँ पे एक चीज़ हमने नोटिस किया है कि आपको ग्रेन्स ना के बराबर देखने के लिए मिलेगा, लेकिन यही चीज़ को जैसे कि आप सेल्फी कैमरा से जैसे रिकॉर्डिंग करेंगे तो वहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा ग्रेन्स देखने के लिए मिलेगा, लेकिन लाइट के पास आ जाएंगे तो वहाँ पे ग्रेन्स वो हट जाता है। तो सिंपल सा मतलब यही हुआ कि ज़्यादा लो लाइट होगा तो ग्रेन्स आपको देखने के लिए मिलेगा सेल्फी में। तो चलिए अब हम कुछ फ़ोटो को जूम करते हैं, जूम करने से ये अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको इसमें क्वालिटी कैसा मिल रहा है। तो स्क्रीन पर आप फ़ोटो देख सकते हैं, हमने यहाँ पे एक नॉर्मल ह्यूमन सब्जेक्ट का फ़ोटो लिया है। जूम करने के बाद जो फेस का टोन है वो आपको अच्छा लगेगा, और ये दूर से लिया गया फ़ोटो है फिर भी यहाँ पे जो क्वालिटी निकल के आ रहा है, जो पीछे में टेक्स्ट वगैरह है वो भी आप पढ़ सकते हैं साफ साफ क्लियर, आपको बड़े वाले जो टेक्स्ट है देखने के लिए मिल जाएगा। आप अगर बहुत दूर से पोर्ट्रेट फोटो लेंगे तो एज डिटेक्शन में आपको प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगा कान के पास में, जो कि आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, लेकिन यही फ़ोटो को आप पास से लेंगे तो वहाँ पे किसी भी तरह का एज डिटेक्शन में प्रॉब्लम आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ मुझे अच्छा लगा है, और पोर्ट्रेट जो है काफ़ी अच्छा इसका निकल के आता है, और अपने हिसाब से उसका जो है कैपेसिटी को एडजस्ट कर सकते हैं बैकग्राउंड ब्लर कैपेसिटी को। और सेल्फी में भी पोर्ट्रेट यहाँ पे देख सकते हैं ठीक ठाक निकल के आया है। तो इस फोटो को जूम करने का मकसद यही है कि इसमें आपको जूमिंग करने के बाद में जो है क्वालिटी कितना मिलेगा। तो ह्यूमन सब्जेक्ट पे आपने देख लिया, अगर आप किसी दूसरे सब्जेक्ट पे भी लेते हैं जैसे कि नेचर वगैरह का फ़ोटो आप क्लिक करना पसंद करते हैं तो उस पर आपको कितना क्वालिटी मिलेगा जूम करने के बाद में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मेन कैमरा से। और लो लाइट में जैसे कि आप जूम करेंगे तो रियर कैमरा से तो मुझे अच्छा लगा है, लेकिन जैसे कि सेल्फी में भी जूम करेंगे तो हल्का सा आपको ग्रेन्स नोटिस हो जाएगा और क्वालिटी थोड़ा कम रहेगा। जाहिर सी बात है लाइट अगर अच्छा नहीं रहेगा तो क्वालिटी वहाँ पर अच्छा नहीं रहेगा, ये चीज़ आप दिमाग में डाल लो आप किसी भी कैमरा से फ़ोटो ले लो। तो देखिए जैसे कि Realme और MI के जिस तरह से फ़ोन होते हैं उस हिसाब से अगर हम देखते हैं इसे तो काफ़ी अच्छा कैमरा है 9,000-10,000 प्राइस पॉइंट के हिसाब से। तो अगर ये सारे सैंपल्स देख करके आप संतुष्ट हैं कि मुझे इतना काफ़ी है, इतना जैसे कि फ़ोटो का क्वालिटी वीडियो का क्वालिटी इतना मेरे लिए सफिशियंट है, तो आप इसको बिल्कुल परचेज कर सकते हैं। अब मेरा काम यही है कि इसमें दिखाना जो एक्चुअल है हमने आपको दिखाया है, वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हैं लेकिन ये चीज़ को आप कीजिए, बहुत मेहनत करते हैं आप लोग के लिए। मिलते हैं फिर ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।